हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज सुपरफास्ट खबरों के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में मुलाकात होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट के दौरान मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के 36 घंटे बाद दूसरी बार मोदी और ट्रंप मिलेंगे और द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र को गांधी सोलर पार्क का तोहफा देगा और भारत ने अपने खर्च पर यूएन मुख्यालय में सोलर प्लेट्स लगवाया है। आपको बता दें, इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देगा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सुनवाई पूरी होने तक अदालत हफ्ते में 3 दिन 1 घंटे ज्यादा बैठेगी। बता दें, पहले कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मामले की सुनवाई पूरी करने के लिए 1 घंटे ज्यादा बैठना पड़े तो कोर्ट बैठेगी। ऐसे में अब अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि भगवान राम के जन्म स्थान के तौर पर अयोध्या के संबंध में हिंदुओं की आस्था पर सवाल उठाना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ मुस्लिम गवाहों ने भी इसे हिंदुओं के लिए उतना ही पवित्र बताया है जितना उनके लिए मक्का है। आमतौर पर सोशल मीडिया पर दूसरों की गलतियां बताने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर खुद बड़ी गलती कर बैठे। ट्विटर पर उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए 3 गलतियां कर दी, जिसके बाद उनकी तस्वीर शेयर करते ही लोगों ने उनकी क्लास लगा दी। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने इसमें थोड़ा सा सुधार किया। हालांकि दूसरी गलती को उन्होंने फिर भी ठीक नहीं किया। शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की एक तस्वीर शेयर की। शशि थरूर ने लिखा कि 1954 में अमेरिका की तस्वीर है जहां पर भारी भीड़ ने उनका शानदार स्वागत किया था। इस भीड़ को जुटाने के लिए किसी स्पेशल पीआर कैंपेन की जरूरत नहीं पड़ी थी। शशि थरूर इस तस्वीर के माध्यम से अमेरिका में अभी हाल ही में हुए मोदी के कार्यक्रम पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साध रहे थे, लेकिन वो इसी तस्वीर में 1, 2 नहीं बल्कि 3 गलतियां कर बैठे। आमतौर पर दूसरों की गलतियां ट्विटर पर बताने वाले थरूर खुद फंस गए। इसके बाद लोगों ने उनकी जमकर क्लास लगाई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत आज विदेशी मीडिया से मुलाकात करेंगे। दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली इस मुलाकात के दौरान संघ प्रमुख विदेशी मीडिया को संघ की गतिविधियों की जानकारी देंगे और संघ से जुड़ी धारणाओं पर रोशनी डालेंगे। इस मुलाकात के बारे में बताते हुए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख अरुण कुमार ने कहा कि संघ प्रमुख नियमित अंतराल पर समाज के विभिन्न वर्गों से भेंट कर संघ का विचार, कार्य और समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। जम्मू कश्मीर के छोटे कारोबारी और सेब व्यापारी आतंकवाद और बंदी की दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर हैं। सेब कारोबारियों का कहना है कि घाटी में 50 दिन से कारोबार ठप है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कारोबारियों ने सोमवार को कहा कि वो घाटी में पाबंदियां खत्म होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्दी पाबंदियों को खत्म करेगी। कारोबारियों ने कहा कि वो आतंकवादी समूहों की धमकियों से भी घबराए हुए हैं। भारत द्वारा 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाए जाने के बाद से घाटी में संचार नेटवर्क को समेत तमाम पाबंदियां हैं। हालांकि पिछले 7 सप्ताहों में हालात में मामूली सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन आज भी सार्वजनिक वाहन सड़कों से गायब हैं और स्कूल अपने छात्रों की उपस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के सामने लगाई गुहार, काम नहीं आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मसले पर भारत को अपना दोस्त बताया, लेकिन इससे इतर एक कार्यक्रम में इमरान खान अमेरिका पर ही बरस पड़े। इतने इमरान ने भी माना कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अलकायदा को ट्रेनिंग दी है। दरअसल न्यूयॉर्क में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में बोलते हुए इमरान खान ने कहा कि 9/11 आतंकी हमले पर पाकिस्तान ने अमेरिका का विश्वास किया, उनकी मदद की, लेकिन यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। इससे पाक की अर्थव्यवस्था को $200 बिलियन का नुकसान हुआ। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस के कमेंट का जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के नेता को समझना चाहिए कि पाकिस्तान कट्टरपंथी क्यों बना।
ब्रिटेन के पर्यटन दिग्गज थॉमस कुक के कारोबार बंद होने से भारत के पर्यटन सेक्टर को भी नुकसान होगा। भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या पूरी तरह से प्रभावित होगी, जिससे आने वाले महीनों में देश की विदेशी मुद्रा आय पर बुरा असर पड़ेगा। पर्यटन उद्योग के सूत्रों के मुताबिक थॉमस कुक ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों से मोटा खर्च करने वाले पर्यटकों को भारत भेजती थी। ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसे देशों में थॉमस कुक की अच्छी उपस्थिति थी, जो कि भारत के लिए प्रमुख शोध बाजार है। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल बढ़ाने की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी पैरोल को बढ़ाने की अपील की है। अर्जी में ओपी चौटाला ने पैरोल को 4 हफ्ते और बढ़ाने की अपील की है। साथ ही बता दें कि ओपी चौटाला अपनी पत्नी के देहांत के बाद पैरोल पर जेल से बाहर हैं। अब उनकी नजरें दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रजनी भटनागर की कोर्ट में टिकी हुई है, जहां ओपी चौटाला की पैरोल पर अर्जी हुई है। फरीदाबाद में असलम बस्ती के लोगों के बीच पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल। लोगों ने मंत्री गोयल का शानदार स्वागत किया। विपुल गोयल ने कहा कि विकास के जरिए लोगों को सम्मान दिलाने का काम किया जाएगा। सेना में खाने की क्वालिटी का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में लीक करने वाले बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर ने प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम मनोहर लाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। बर्खास्त सिपाही तेज बहादुर ने हरियाणा की करनाल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जो कि सीएम मनोहर लाल की सीट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी तेज बहादुर ने वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन किन्हीं वजहों से तेज बहादुर की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। सरकार की नीतियों के खिलाफ लामबंद हुए आढ़ती प्रणाली के विरोध में आज मंडी बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बैंक से नकदी निकासी पर टीडीएस काटने का भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। अनाज मंडी में धान का सीजन शुरू होते ही ट्रेडिंग का विरोध शुरू हो गया है। आढ़ती एसोसिएशन राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि हड़ताल के चलते शहर की तीनों अनाज मंडी समेत पूरे जिले में आज आढ़ती धान की खरीद नहीं करेंगे। मोहनसिला आढ़ती एसोसिएशन की मांग है कि धान की खरीद का कार्य और भुगतान आढ़तियों के माध्यम से किया जाए। साथ ही आढ़तियों का आरोप है कि एजेंसी ने देरी से भुगतान पर सरकार ने ब्याज देने की बात कही थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया। फरीदाबाद की नीमका जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। जेल से कभी मोबाइल फोन तो कभी नशीला पदार्थ मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार जेल से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ मिला है। पुलिस ने जेल से 230 ग्राम गांजा बरामद किया, जिसकी बाजार में कीमत 20,000 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जेल में बंद कैदियों के पास से मोबाइल भी मिल चुके हैं। प्रदेश में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन चोरी, लूट, हत्या और बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है। एक ऐसा ही ताजा मामला नांगल चौधरी से सामने आया, जहां एक सप्ताह में दूसरी बड़ी चोरी की वारदात हुई। बता दें कि चोरों ने वार्ड नंबर 17 से जिला पार्षद के घर को निशाना बनाया। 1 लाख से ज्यादा नकदी और 4 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर चोर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। गुरुग्राम के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटी ने अपने पिता की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी बेटी ने बीच बचाव करने आई मां और छोटे भाई को भी नहीं बख्शा और दोनों पर कातिलाना हमला बोल दिया। आरोपी ने पड़ोसियों के सामने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पड़ोसियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि उसने पिता की हत्या किन वजहों से की इसका खुलासा नहीं हो पाया है। हमले में घायल आरोपी की मां और छोटे भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। 7 साल से कम के सेवाकाल में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।
माना जा रहा है कि इस कदम का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की विधवाओं को मिल सकेगा। इससे पहले अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु 7 साल से कम के सेवाकाल में हो जाती थी तो उसके परिजनों को आखिरी वेतन के 50% के हिसाब से बढ़ी हुई पेंशन नहीं मिलती थी। 7 साल से कम के सेवाकाल में मृत्यु होने पर कर्मचारी के परिजन बढ़ी हुई पेंशन पाने के पात्र होंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा दूसरा संशोधन नियम 2019 से 1 अक्टूबर 2019 से लागू होगा। बैंक ट्रेड यूनियनों ने प्रस्तावित 26 और 27 दिसंबर की हड़ताल टाल दी है। बैंक यूनियनों ने 10 बैंकों के विलय के विरोध में हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। यह हड़ताल यूनियन लीडर्स और वित्त सचिव राजीव कुमार के बीच हुई बैठक के बाद टली है। बैंक यूनियन का कहना है कि सरकार ने उनकी मांगों को गंभीरता से लिया और उस पर विचार करने का आश्वासन दिया है। दरअसल बैंक ऑफिसर्स के 4 यूनियनों ने 26 सितंबर से 2 दिनी हड़ताल की घोषणा की थी। यूनियन ने हड़ताल में बैंकों का विलय के विरोध के साथ ही 11वां वेतन समझौता लागू करने की मांग की है। जीडीपी में कम बढ़त होने की वजह से इस वित्त वर्ष में जीएसटी संग्रह उम्मीद से 40,000 करोड़ रुपए कम होने की आशंका है। इस पर चिंता जताते हुए राज्यों ने इसकी भरपाई की मांग केंद्र सरकार से की है। देश की जीडीपी में अप्रैल से जून की तिमाही में महज 5% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल की इसी अवधि में जीडीपी में बढ़त 8% हुई थी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कॉरपोरेट टैक्स में कटौती के बाद हुई थी। काउंसिल ने निर्मला सीतारमण के साहसिक निर्णय की सराहना की थी, लेकिन राज्यों के वित्त मंत्रियों ने राजस्व में कमी को लेकर चिंता जताई थी। जीएसटी को मंजूरी देते समय केंद्र सरकार ने कहा कि 5 साल के अंदर किसी साल राज्यों के सालाना राजस्व में बढ़त 14% से कम रहती है तो वह इसकी भरपाई करेगा। जीएसटी कानून के मुताबिक ये भरपाई उस फंड से की जाएगी जो सीएस के द्वारा बनाई गई। प्याज एक बार फिर आम आदमी को रुलाने लगी है। ये सेब से भी महंगी हो गई है। औसत क्वालिटी का सेब खुदरा बाजार में 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम भी मिल रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम प्याज के लिए कम से कम 50 रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। चैंबर ऑफ आजादपुर फ्रूट एंड वेजिटेबल ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट के मुताबिक शिमला से आने वाला सेब थोक में 30 से 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, जबकि कश्मीरी सेब 20 से 25 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा है। आजादपुर मंडी के कारोबारी और ऑनियन मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने बताया कि आवक में सुधार होने से सोमवार को प्याज में थोड़ी नरमी आई, फिर भी थोक भाव 25 से 45 रुपए प्रति किलोग्राम है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी का दौर मंगलवार को भी जारी है। सप्ताह के दूसरे दिन आज मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी समेत देश के कई महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 22 पैसे की भारी तेजी के साथ 74 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पर और डीजल 14 पैसे की बढ़ोतरी के साथ 67 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं कोलकाता और मुंबई में भी पेट्रोल 22 पैसे की तेजी पर है। कोलकाता में डीजल 14 पैसे महंगा हुआ और मुंबई में डीजल में 15 पैसे की बढ़त आई। तो चेन्नई में पेट्रोल 23 पैसे की बढ़त के साथ 77 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर और डीजल 15 पैसे की तेजी के साथ 70 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। स्थानीय बाजार में सोने में लगातार 30 दिन भी तेजी रही। सोना स्टैंडर्ड 100 रुपए चमक कर 11 सितंबर के बाद के उच्चतम स्तर 38,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोना बिट्टूर भी इतनी ही तेजी के साथ 38,600 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिका। वहीं 8 ग्राम वाली गिन्नी 30,000 रुपए पर स्थिर रही। विदेशी बाजारों के अनुरूप चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी रही। चांदी हाजिर 550 रुपए की छलांग लगाकर 47,850 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के बाद भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली एक बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं और उन पर अब निलंबन की तलवार लटक गई है। दरअसल हुआ यह कि तीसरे T20 मैच के दौरान कोहली ने रन लेते वक्त दक्षिण अफ्रीकी बॉलर ब्यूरॉन हेनरिक से जानबूझकर अपना कंधा टकराया, जिसके लिए कोहली को चेतावनी दी गई और उनके खाते में एक डिमेरिट अंक जोड़ा गया। अब विराट कोहली को अगले 4 महीने तक मैदान पर बहुत ही ज्यादा संभल कर चलना होगा और अगर विराट ऐसा करने में नाकाम रहे तो उन्हें निलंबन की झेलना होगा।
भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। दरअसल आज से ठीक 12 साल पहले साल 2007 में इंडिया ने पहले टी20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इस टूर्नामेंट में पूरी टीम ने एकजुट होकर बेहद शानदार प्रदर्शन किया था। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 1983 के बाद किसी विश्व खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी। पूर्व सलामी बल्लेबाज माधव आप्टे का 86 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। क्रिकेटर के बेटे वामन आप्टे ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। माधव आप्टे ने भारत की ओर से 7 टेस्ट मैच खेले थे और टेस्ट क्रिकेट में उनका बहुत बड़ा नाम है। एक टेस्ट सीरीज में 400 से ज्यादा रन बनाने वाले माधव पहले भारतीय बल्लेबाज थे। उन्होंने 1953 के वेस्टइंडीज दौरे में 5 टेस्ट मैच की 10 पारियों में 460 रन बनाए थे, जिसमें एक शतक और 3 अर्धशतक शामिल रहे। न्यूजीलैंड दौरे पर जाने वाली इंग्लैंड की 15 सदस्यीय टेस्ट और टी20 टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में किसी ने अपनी जगह पहली बार बनाई है तो किसी को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। सिलेक्टर्स ने जॉनी बेयरस्टो और जेसन रॉय को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं टॉम बेंटन को टी20 में जबकि साकिब महमूद को टेस्ट और टी20 दोनों में पहली बार जगह दी गई। नवंबर में इंग्लैंड की टीम इस टूर पर जाएगी। टूर्नामेंट में 2 टेस्ट और 5 टी20 सीरीज शामिल है। बता दें 1 से 10 नवंबर के बीच दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं 21 नवंबर से 3 दिसंबर तक टेस्ट सीरीज होगी। विकास कंडोला के शानदार खेल के दम पर हरियाणा स्टीलर्स ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में प्रो कबड्डी लीग के मैच में 3 बार की चैंपियन पटना को पायलट्स को 39-34 से हरा दिया। इस रोमांचक जीत के साथ ही हरियाणा की टीम ने तालिका में तीसरे पायदान पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। उसके नाम 17 मैच में 59 अंक हैं। पटना की टीम 18 मैच में 39 अंक के साथ नवे स्थान पर है। पटना पायरेट्स के स्टार खिलाड़ी प्रदीप नारवाल ने 17 रेड अंक बनाए, लेकिन जंकुन ली के अलावा उन्हें किसी और खिलाड़ी का साथ नहीं मिला। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान जल्द ही फिल्म लाल कप्तान में नजर आने वाले हैं और मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक भी आउट कर दिया है। फिल्म में सैफ अली खान नागा साधु के रोल में दिखेंगे। पोस्टर में सैफ का नागा साधु का लुक दिखाया गया। पोस्टर के साथ ही फिल्म की रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है। तरण आदर्श ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। रातेलाल कप्तान पहले 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में इसकी डेट आगे बढ़ा दी गई और अब यह फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस फिल्म के अलावा नितिन कक्कड़ की जवानी जाने मन में भी नजर आएंगे। बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी बिजी चल रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि एक म्यूजिक वीडियो को लेकर चर्चा में हैं। जी, अक्षय कुमार जल्द ही एक म्यूजिक वीडियो में नजर आने वाले हैं और उन्होंने इस गाने की शूटिंग भी पूरी कर ली है। इस म्यूजिक वीडियो के सेट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रही है। इस गाने की खास बात यह है कि इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन अक्षय के साथ अपना डेब्यू करने जा रही है। नुपुर ने सेट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कर अपनी खुशी जाहिर की। इस सॉन्ग का टाइटल फिलहाल है। इसमें अक्षय और नुपुर के अलावा पंजाबी सिंगर एमी विर्क भी नजर आएंगे और इस गाने को सिंगर दीप राक ने गाया है। विकी कौशल जल्द ही हॉरर फिल्म भूत में नजर आने वाले हैं। फिल्म अपनी अनाउंसमेंट के दिनों से चर्चा में है और फिल्म को लेकर एक नई बात सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी की यह फिल्म मुंबई में ही एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म के डायरेक्टर शशांक खेतान ने खुलकर इस बारे में बताया कि इस फिल्म का रियल वर्ल्ड से सीधा संबंध है। शशांक के इंटरव्यू के दौरान बताया कि यह कहानी मुंबई में डूबने वाले एक भूतिया शिप पर आधारित है। इस फिल्म को लेकर कहा जा रहा है कि आम हॉरर फिल्मों से अलग है और कमजोर दिल वाले से ना देखें। इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।